10 मिनट में 50 खबरें। हिट एंड रन केस में दोषी सलमान खान के लिए अहम दिन, जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। बुधवार को हिट एंड रन केस में सेशंस कोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा। ऑर्डर की पूरी कॉपी नहीं मिलने की वजह से मिली थी अंतरिम जमानत, आज की सुनवाई से तय होगा कि सलमान को जेल जाना होगा या मिल जाएगी जमानत। 2002 में मुंबई के बांद्रा में हुआ था हादसा, सलमान की गाड़ी से कुचले गए थे फुटपाथ पर सो रहे लोग, एक की हुई थी मौत। आज सुनवाई के दौरान सलमान खान को मौजूद रहने की जरूरत नहीं, जमानत नहीं मिलने पर सेशन कोर्ट में करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सलमान का मामला, हाई कोर्ट से फौरन जमानत के खिलाफ मुंबई के एक वकील ने दाखिल की याचिका। सलमान की तारीफ से वकील हरीश सालवे कर रहे हैं पैरवी, देश के तेज तर्रार वकीलों में से एक हैं हरीश सालवे। सलमान के घर देर रात तक लगा रहा नामचीन हस्तियों का तांता, फरदीन खान ऋतिक रोशन ने भी की मुलाकात। आमिर खान समेत कई बॉलीवुड सितारों ने की मुलाकात, वहीदा रहमान ने गले लगा कर दी सांत्वना। बॉलीवुड का कपूर परिवार भी आया सलमान के साथ, करीना करिश्मा रणबीर गोविंदा ने बढ़ाया हौसला। दीपिका पादुकोण ने सलमान खान को लेकर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, कहा अदालत में है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने ली नीति आयोग की बैठक, रेलवे के विकास पर की चर्चा। मोदी सरकार के बचाव में उतरे बीजेपी के दिग्गज नेता, राजनाथ से लेकर स्मृति ईरानी तक ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी के दफ्तर ने पहले ट्वीट कर दी जानकारी, 12 मई को तेलंगाना के आदिलाबाद में 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे राहुल। टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने बचपन और गरीबी की याद करके प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आए, रेलवे कोच में चाय बेचने का किया जिक्र। आरजेडी के लिए 6 साल के लिए बाहर हुए सांसद पप्पू यादव, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। तो इसीलिए हटा दिया गया कि उन्हें लगा कि लालू यादव के राजनीतिक वारिस पप्पू यादव ना हो जाए और यादव और पिछड़ा पप्पू यादव के लीडरशिप में ना चला जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से ब्राह्मणों पर साधा निशाना, नीच अछूत मानने वालों से क्यों कराएं पूजा। वो श्राप दे रहा हो, मार रहा हो, गाली गलौज दे रहा हो, भ्रष्ट हो, उसको पूजिए, शूद्र है, अगर बहुत बड़ा गुणवान भी है तो उसका पूजा नहीं होना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग और कुमार विश्वास के बीच बड़ी तकरार, बरखा सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ को लिखी चिट्ठी, एलजी और पुलिस कमिश्नर को भेजी शिकायत। दिल्ली महिला आयोग के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में कुमार विश्वास की अर्जी, समन पर स्टे लगाने की मांग की, विश्वास की अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के बंगले में तीसरी बार चोरी, चोर ने सचिव के हाथ को काट लिया, बढ़ाई गई सुरक्षा। गुजरात के रिटायर्ड आईपीएस अफसर डीजी वंजारा ने प्रमोशन और पुनर्बहाली में लगाया भेदभाव का आरोप, गुजरात सरकार को लिखी चिट्ठी। 2 फर्जी एनकाउंटर केस में इस वक्त बेल पर जेल से बाहर है वंजारा, फर्जी एनकाउंटर के 15 आरोपियों के साथ खुद के प्रमोशन की मांग की। पुणे में सामने आया रोड रेज का मामला, लेफ्टिनेंट कर्नल पर 2 भाइयों पर चाकू से हमले का आरोप। पीड़ितों का आरोप, लेफ्टिनेंट कर्नल ने पहले 3-4 बार अपनी कार से मारी टक्कर, आपत्ति करने पर चाकुओं से किया हमला, अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मोगा मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार पुलिस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बस कंपनी को भेजा नोटिस, 15 मई तक देना होगा जवाब। यूपी के फिरोजाबाद में विभाग की लापरवाही के चलते आज सब स्टेशन में आग बुझाने के इंतजाम तक नहीं। राजस्थान के धौलपुर जिले में आग का तांडव, 5 घर जलकर हुए राख। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में नहर में गई गेंद निकालने के दौरान हादसा, पानी में डूबने से बच्चे की मौत।
दिल्ली के संगम विहार में पत्नी पर पति की हत्या की साजिश का आरोप, पुलिस ने पत्नी के प्रेमी को भी किया गिरफ्तार। केरल के अलपुजा में SAI हॉस्टल में चार होनहार लड़कियों ने की आत्महत्या की कोशिश, एक की मौत। हरियाणा के भिवानी में फाइनेंसर्स से तंग आकर किसान ने की आत्महत्या, दीवार पर लिखकर फाइनेंसर्स को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा पुलिस को यमुनानगर में मिली बड़ी कामयाबी, IPL पर सट्टा लगा रहे 7 बुकी गिरफ्तार। चेन्नई में BMW कार की फैक्ट्री में पहुंचे सचिन, मेक इन इंडिया की पहल के तहत 50% पुर्जों का निर्माण भारत में करेगी कंपनी। मुंबई में फिल्म पीकू के प्रमोशन के लिए पहुंची दीपिका, सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से किया गया था ये कार्यक्रम। इट्स द फर्स्ट फिल्म फॉर मी वेयर वी हैव स्टार्टेड शोइंग इट ऑलमोस्ट अ वीक प्रायर टू द रिलीज एंड आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट द फिल्म इटसेल्फ। टू व्हीलर के शौकीनों को इंडिया यामाहा मोटर का नया तोहफा, स्कूटर सेगमेंट में लॉन्च किया 4-स्ट्रोक 113cc का फैशनेबल फैसिनो। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस स्कूटर से, क्योंकि ये स्कूटर दिखने में ही अच्छा नहीं है, मतलब इसके अलावा इसमें जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक 66 किलोमीटर का माइलेज है। IPL में कोलकाता ने दिल्ली को 13 रनों से हराया, 171 का पीछा करने उतरी दिल्ली, महज 20 ओवर में 158 रन बना सकी। आज चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस का मुकाबला, चेन्नई में रात 8 बजे से मैच। दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने की सिम बुल्लर से मुलाकात, NBA खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बुल्लर। ब्रिटेन में वोटों की गिनती जारी, आज दोपहर तक परिणाम आने की उम्मीद। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी आगे, स्थानीय निकायों और काउंसिल की सीटों के लिए भी हुआ है मतदान।